दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 19 फरवरी 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी टॉप खबरों की, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टाटा IPL 2023 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और वुमेन IPL 2023 की लाइव टेलीकास्टिंग के रिगार्डिंग हमें क्रिकेट से जुड़े हुए काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले अपडेट्स आज की तारीख में देखने को मिले हैं और इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा IPL 2023 की वन ऑफ द बेस्ट और काफी पॉपुलर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जहां पर IPL 2023 की शुरुआत से पहले आज की तारीख में टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लेकर दो तीन बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है एबी डी विलियर्स को लेकर, जहां पर कल IPL में अपनी वापसी को लेकर एबी डी विलियर्स ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर उन्होंने IPL में अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को वो ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक उनकी पोस्ट यहां पर रिवील नहीं की गई है, लेकिन यह कंफर्म हो चुका है कि वो यहां पर एज प्लेयर कमबैक नहीं करेंगे। एबी डी विलियर्स ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी, जहां पर उन्होंने ऐसा कंफर्म किया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मेंस और वुमेन्स दोनों टीमों को ज्वाइन करेंगे, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि वो मैनेजमेंट का हिस्सा होने वाले हैं। बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर, जहां पर भाई आप सभी को पता है कि नीलामी के दौरान इस टीम ने धमाल किया है, काफी सारी बड़ी बड़ी खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड्स में इस टीम ने शामिल किया है। ऐसे में सबसे बड़ा नाम सबसे महंगे खिलाड़ी का रहा समर्थी मंडाना को इन्होंने परचेस किया और कल यहां पर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में इस टीम के कप्तान के पद पर हमें 18 नंबर जर्सी वाली समर्थी मंडाना देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के ट्रेनिंग सेशंस को लेकर, जहां पर क्लार्सबी की मैनेजमेंट ने कंफर्म कर दिया सभी खिलाड़ियों के पास नोटिस पहुंचा दिया है, जहां पर आने वाले 10-15 दिनों के बाद IPL 2023 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के ट्रेनिंग सेशंस की ट्रेनिंग कैंप्स की शुरुआत होने वाली है और जैसे ही यहां पर ये कैंप शुरू हो जाते हैं तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जहां बड़ी खबर है ब्रेकिंग न्यूज है सभी को बेसब्री से एशिया कप के कार्यक्रम का इंतजार है। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले यह शानदार इवेंट हमें देखने को मिलने वाला है। पोस्टिंग को लेकर लगातार बड़ा सस्पेंस जारी था, लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि एशिया कप 2023 हमें दो कंट्रीज में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान और UAE। ये दोनों कंट्रीज एशिया कप 2023 को होस्ट करने के लिए जा रही है, जहां पर टीम इंडिया के जितने भी महामुकाबले होंगे सभी महामुकाबले हमें UAE में देखने को मिलेंगे। यदि यहां पर भारतीय टीम फाइनल्स तक क्वालिफाई करती है तो फाइनल महामुकाबला भी हमें UAE में देखने को मिलेगा। भारत की टीम ने पाकिस्तान ट्रेवल करने से क्लीन एंड क्लियरली इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ACC को धमकी दी कि अगर यहां पर उनको यहां पर होस्टिंग राइट्स नहीं मिलते हैं तो ऐसे में वही हो सकता है कि एशिया कप से अपने नाम को वापस ले ले, जिसके बाद वही यहां पर एक कॉमन सॉल्यूशन तैयार किया गया है। खैर इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, लेकिन शेड्यूल के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है, जहां पर अगले महीने के मिड में हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग एशिया कप 2023 के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी और उस मीटिंग के बाद एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है आपके यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही सीरीज को लेकर, जहां पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट महामुकाबला फिलहाल दिल्ली के स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार चल रहा है, काफी टक्कर का मैच चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बताना
चाहूंगा कि थर्ड और फोर्थ टेस्ट महामुकाबले के लिए अभी तक बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान नहीं किया है। और ऐसे में यहां पर बीसीसीआई की तरफ से हमें बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहां पर भाई बीसीसीआई ने ऐसा कंफर्म किया कि जैसे यहां पर सेकंड टेस्ट महामुकाबला समाप्त होता है उसके जस्ट बाद यहां पर थर्ड टेस्ट और फोर्थ टेस्ट महामुकाबले के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान हो जाएगा। और जैसे यहां पर टीम इंडिया की फाइनल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो जाती है तो आपको अपडेट सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट निकल कर आ रहा है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 को लेकर। जी हां, वुमेन आईपीएल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। और भाई इस पूरा कार्यक्रम यहां पर ऑलरेडी रिवील हो चुका है, जहां पर 4 मार्च से शानदार टूर्नामेंट का आगाज होने के लिए जा रहा है भारत के 2 वेन्यूज पर। जी हां, डीवाई पाटिल स्टेडियम और ब्रैबर्न स्टेडियम में हमें सभी महामुकाबले लाइव देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि भाई हम लाइव टेलीकास्टिंग कैसे देख पाएंगे। तो भाई इसके ऊपर जियो सिनेमा ने क्लियरली बोल दिया कि भाई हम यहां पर बिल्कुल फ्री में आप सभी को अलग अलग कैमरा एंगल्स के साथ वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की लाइव टेलीकास्टिंग दिखाएंगे। साथ ही साथ यदि आप टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 चैनल पर हमें लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल के प्रैक्टिस मैचेस को लेकर। जहां फिलहाल बीसीसीआई एक नया प्लान तैयार कर रही है, जहां पर आईपीएल 2023 की शुरुआत से पहले कुछ प्रैक्टिस मैचेस हमें यहां पर टीमों के बीच देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि भाई बाकी लीगों के भी एग्जीबिशन मैच होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें अब की बार आईपीएल के भी एग्जीबिशन मैच प्रैक्टिस मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। और भाई जैसे यहां पर प्रैक्टिस मैचेस का शेड्यूल आ जाता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट निकल कर आ रहा है टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी को लेकर। जहां पर भी आप सभी को पता है कि अपने विवादित बयानों के चलते चेतन शर्मा ने अपनी पोस्ट रिजाइन दे दिया, जिससे भाई चीफ सेलेक्टर्स की जो मैनेजमेंट है वहां पर एक स्लॉट फिलहाल खाली हो गया। आने वाले कुछ टाइम में बीसीसीआई नई भर्तियों को रिलीज करने वाला है, जिसके बाद भाई हम एक नया नवेला चीफ सेलेक्टर यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन आप किसको यहां पर चीफ सेलेक्टर के पद पर देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये आज 19 फरवरी 2023 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके थैंक्स फॉर वॉचिंग।